الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह ने अपनी हदीस की किताब जामिय तिर्मिज़ी में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस को रिवायत किया। फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युम मरअतिन मातत, हर वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, वज़ौजुहा अन्हा राज़, इस हालत में कि उसका शौहर उससे राजी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलतिल जन्ना, ऐसी औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों पर मर्द के हक को आपने बयान किया और साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इस मसले की वजाहत की कि बीवियों को चाहिए कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसके करने की वजह से उनका शौहर नाराज हो जाए। और बीवियों को ये बात इस हदीस में बताई गई कि उनके शौहर का हक उन पर बहुत बड़ा है और वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिसके करने की वजह से उनका शौहर उनसे नाराज हो जाए। अब इस हदीस को लेकर हम बात करेंगे। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में क्या फरमाया, हर वो औरत जो इस हालत में इंतकाल हो जाए कि उसका शौहर जिंदा है, शौहर के जिंदा होने के बाद यानी शौहर के जिंदगी की हालत में जो औरत इंतकाल कर जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसके इंतकाल के वक्त उसका शौहर उससे राजी हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अब यहां पर कोई भी आदमी इस हदीस को लेकर यह ना समझे कि हर वो बीवी या हर वो शौहर यह ना समझे कि मेरी बीवी मुझसे राजी होकर जन्नत में जाएगी, नहीं। इसके मुराद अल्लाह के नबी ने इस हदीस में गहराई की बात बयान की है। गहराई यह है कि हर वो औरत जिसके अंदर तीन चीजें पाई जाए, तीन शराइत पाई जाए, पहली शर्त यह है कि वो औरत ईमान वाली हो। इससे मुराद हर वो औरत नहीं है जो शौहर की जिंदगी में इंतकाल कर जाए जबकि वो ईमान वाली नहीं है, वो इस हदीस में उसके लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि इस हदीस में खुशखबरी उस औरत के लिए है जो ईमान वाली हो। और ईमान वाली होने के साथ साथ ईमान के जितने भी अरकान हैं उसको मानने वाली हो। ईमान के अरकान क्या है, पांच छह अरकान है ना, अल ईमान बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह पर ईमान हो, फरिश्तों पर ईमान हो, किताबों पर ईमान हो, रसूलों पर ईमान हो, आखिरत के दिन पर ईमान हो, तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान हो। तो जिस औरत का हाल यह है कि जो ईमान वाली हो और ईमान वाली होने के साथ साथ ईमान के तमाम अरकान को मानती हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि वो औरत मुसलमान हो और मुसलमान होने के साथ साथ इस्लाम के तमाम आमाल को इख्तियार करती हो, यानी नमाज की पाबंद हो, रोजे की पाबंद हो, जकात की पाबंद हो, इस्लाम के जो भी अरकान है इस्लाम के तमाम अरकान को मानती हो। और तीसरी शर्त यह है कि उस औरत का मामला यह हो कि वो औरत नमाज की पाबंद हो। यानी मतलब यह है कि जिस औरत के अंदर ये तीन शराइत पाई जाए, यानी वो ईमान वाली हो, दूसरी चीज इस्लाम को मानती हो और इस्लाम को मानने के साथ साथ इस्लाम के तमाम अरकान पर उसकी जिंदगी गुजरे, और तीसरी चीज वो औरत नमाज की पाबंद हो। जिस औरत में ये तीन शराइत पाई जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर शौहर की मौजूदगी में अगर उस औरत का इंतकाल हो जाता है, शौहर उससे राजी हो जाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है। अब यहां पर इस हदीस में एक और बात आपको ये बता दूं कि आमतौर पर शौहर और बीवी में
इख्तलाफ कब होता है? तीन वजूहात की बिना पर होता है। यानी आमतौर पर औरत अपने शौहर को तकलीफ कब देती है? तीन वजूहात की बिना पर। पहली चीज, औरत की जबान सही नहीं होती है। कभी कभार औरत जबानी तौर पर अपने शौहर को तकलीफ देती है। कैसे? जबान से उसको बुरा भला कहती है, जबान से उसको गाली गलौज करती है, ये तकलीफ देने की पहली सूरत। दूसरी सूरत, औरत जो है अखलाकी तौर पर तकलीफ देती है। कैसे? उसकी आदतें बुरी होती हैं, अपने अखलाक के जरिए से अपने शौहर को तकलीफ देती है, बदचलन काम करती है, कोई गलत काम कर देती है, ये तकलीफ देने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, औरत अपने शौहर को तकलीफ देती है तीसरे तरीके से, वो क्या है? नाजायज मुतालबात करती है। मतलब ये है कि शौहर की तनख्वाह जो है 10,000 रुपये है, उसके मुतालबात उससे बढ़कर होते हैं। तो हर वो तकलीफ जो बीवी अपने शौहर को देती है, ये तकलीफ शरीयत की निगाह में बहुत गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुदी इमरातु ज़ौजिहा फिद्दुनिया, अगर कोई औरत या कोई बीवी अपने ईमान वाले शौहर को तकलीफ देती है, और तकलीफ कैसे देती है? जबान से और अपने अखलाक से, और शौहर को नाजायज डिमांड करके अगर कोई बीवी अपने शौहर को तकलीफ देती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला वकाल ज़ौजतु मिनल हूरिल ऐन, नबी ने फरमाया कि जब भी कोई ईमान वाले मर्द को कोई बीवी तकलीफ देती है तो जन्नत के अंदर जो हूरे होती हैं, हूरों में हूरे आइन, हूरे आइन ऐसी खूबसूरत औरतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हूर की किस्में बयान की। हूरों में सबसे आला किस्म की जो हूरे हैं वो हूरे आइन है। अमसाल लुहली मकनून, तो आने मजीद में आया है कि हूरे आइन की खूबसूरती ये होगी जिस तरीके से चमकदार कोई हीरा है, इतने हीरे से ज्यादा वो औरतें खूबसूरत होंगी जिन्हें हूरे आइन कहते हैं। जब भी दुनिया में कोई ईमान वाली ईमान वाले शौहर को कोई और तकलीफ देती है तो जन्नत की जो हूरे होती हैं वो उस औरत को बद्दुआ देती है, कहती है, ऐ औरत खातलक अल्लाह, अल्लाह तुझे बर्बाद कर दे, ये ईमान वाला शौहर आज तेरे निकाह में है, कल ये हमारे पास आने वाला है, इस और इस मर्द की तू कदर कर, अगर तू इस मर्द की कदर नहीं करेगी तो कल ये हमारे पास आने वाला है, ये हमारे पास आने से पहले तो इस अपने शौहर की कदर कर ले, इसको तकलीफ ना दे। ये कौन कहती है? ये जन्नत की वो हूरे, हूरे तकलीफ, ये वो हूरे जो अल्लाह ताला की निगाह में जिनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है, जब भी दुनिया में कोई ईमान वाले मर्द को कोई बीवी तकलीफ देती है तो ऊपर से ये जो हूरे होती हैं ऐसी औरतों को तकलीफ देती हैं, ऐसी औरतों को बद्दुआए कलिमात अदा करती हैं। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में जो बात बयान की, वो खुलासा कलाम ये है कि बीवियों को चाहिए कि अपने मरने से पहले अपने शौहरों को राजी कर अगर वो मर जाती हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। तो मालूम ये हुआ इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहरों के मकाम को बयान किया, और साथ ही साथ औरतों के इस हदीस में अल्लाह के नबी ने इस बात की नसीहत की कि हर वो तकलीफ जो शौहरों को पहुंचती है अगर बीवियां इस तकलीफ का काम करती हैं तो ऐसी बीवियों को सुधरना चाहिए, संभलना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जितनी बातें इस हदीस की रोशनी बताई गई हैं अल्लाह ताला सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।